काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन जस्टिस काटजू ने हाल ही में कहा कि 90% इंडियंस इडियट हैं। पर आई थिंक बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि 90% इंडियंस इडियट है, बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 90% इंडियंस मानते हैं कि 90% इंडियंस इडियट है। जस्टिस काटजू ने ये भी कहा है कि आज इंडिया में कहीं भी 2000 रुपये में मतलब 2000 रुपये देकर दंगे करवाए जा सकते। और इस पर बीजेपी और कांग्रेस वालों ने कहा क्या बात कर रहे हो हैं, अरे हमने तो लास्ट टाइम 2500 में कराए थे यार। काजू साहब महंगाई बढ़ चुकी है क्या, किस दुनिया में जी रहे हैं आप? पर जस्टिस काजू को देश के पिछवाड़े उंगली करने में बड़ा मजा आता है। हर हफ्ते दो हफ्ते कोई ना कोई ऐसा बयान दे ही देते हैं जिसका निचोड़ ये होता है कि तुम सब चूतिए हो, एक मैं ही समझदार हूं। खबर है कि 2013 में इंडिया में शादियां नहीं होंगी क्योंकि 13 अशुभ माना जाता है, विच मीन्स 2013 में बांद्रा बैंडस्टैंड और दिल्ली में पुराने किले पर नेकिंग करते हुए कपल्स की संख्या और बढ़ जाएगी। लोकसभा के विंटर सेशन में वेंकैया नायडू ने कांग्रेस एमपी प्रभा ठाकुर को बेवकूफ बोल दिया, जिससे प्रभा ठाकुर रोने लगी। जी हाँ, ये बरक दत्ता के दिमाग से निकली हुई झूठी मूठी खबर नहीं है भैया, सच्ची बात है। अब सबसे पहले तो अगर वेंकैया नायडू ने ये बात लोकसभा की जगह फेसबुक पे लिखी होती तो अब तक जेल में होते वो। बट हाउ ओल्ड आर दीज पीपल यार, कोई बेवकूफ बोले तो इसमें रोने की क्या बात है, है? अच्छा अच्छा, आई थिंक प्रभा ठाकुर इसलिए रोने लगे क्योंकि वेंकैया नायडू तक ने उन्हें बेवकूफ बोल दिया। खबर है कि जब वो रोने लगी तो उन्हें चुप कराने लालू यादव उनके पास आए, और उनके पास आकर लालू जी ने कहा, और काहे रो रही है, बेवकूफी कहा ना, राबड़ी देवी तो नहीं कहा। इससे पहले खुद लालू यादव ने बीजेपी वालों को जमूरे कहा था, जिसे संसद में 2 घंटे तक हंगामा मचा रहा। अब जमूरे का एग्जैक्ट मीनिंग होता है किसी स्ट्रीट परफॉर्मर के साइड में खड़ा हुआ उसका साइड किक, जैसे कि मोदी के बाजू में खड़े अडवाणी जी। बट अगेन, लालू यादव कॉलिंग somebody else जमुरा इज लाइक राहुल गांधी कॉलिंग somebody else प्रिंस। अच्छा ये सुनिए, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक हाल ही में इंडिया आए और अपना जन्मदिन ताजमहल में मनाया, और जब वो ताजमहल में बर्थडे केक काट रहे थे तो कब्र के अंदर से शाहजहां और मुमताज महल की आवाज आई, भाई थोड़ी तो शर्म करो। वैसे सुना है इस बार पाकिस्तान से हमारी बातचीत काफी आगे बढ़ी है। हाँ, इससे पहले जब भी बातचीत होती थी तो दोनों देशों के मिनिस्टर क्रिकेट और बॉलीवुड पे ही बात करते करते वहीं पे अटक जाते थे। हाँ, लेकिन इस बार पहली बार दोनों देशों ने फेसबुक और ट्विटर बैन करने पर भी बात की। बोली ये एक एरिया है जिसमें पाकिस्तान हमसे काफी आगे है। जैसे हम लोग पूछते हैं ना, पानी दिन में कितने घंटे आएगा, वहां लोग पूछते हैं यूट्यूब दिन में कितने घंटे आएगा। अभी हाल ही में हमारे देश के सबसे दिग्गज वकील राम जेठ मलानी, जिन्होंने हर्षद मेहता, अफजल गुरु, मन्नू शर्मा, येडियुरप्पा जैसे देशभक्तों के केस लड़े हैं, इन्होंने कहा कि राम एक बैड हस्बैंड है। नहीं, ये अपनी खुद की बात नहीं कर रहे, वो तो उनकी दोनों बीवियां कई सालों से बोलती आ रही है, ये बात कर रहे हैं भगवान श्री राम। भगवान राम वॉज अ बैड हस्बैंड, क्लेम्स राम जेठ मलानी है भैया। राम जेठमलानी also said that he had serious doubts as to whether Ram was a historical figure. हंसने की बात तो ये है कि उनके इस सनसनीखेज खुलासे के एक दिन पहले ही श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने ये ऐलान किया था कि वो पार्लियामेंट के दिसंबर सेशन में मुद्दा उठाएंगे कि बॉलीवुड हिंदू धर्म को नीचा दिखाना चाहता है, विथ सॉन्ग्स लाइक सेक्सी राधा फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ द ईयर एंड फिल्म लाइक ओ माई गॉड। सुषमा जी, पार्लियामेंट में मुद्दा उठाने से पहले आप अपने प्रिय सदस्य राम जेठमलानी को उठाइए और उन्हें बाहर फेंकिए। नहीं, आई नो सस्पेंड कर दिया है, बट दिस कंट्री हैज हैड इनफ ऑफ राम जेठमलानी। स्टूडेंट ऑफ द ईयर से याद आया, क्या पिक्चर थी, एकदम सॉलिड। मुझे मेरे स्कूल के दिन याद आ गए, मुझे मतलब जब मैं मेरे महल जैसे स्कूल में फरारी चलाता था, जब मेरी सारी गर्लफ्रेंड्स रुमाल के साइज के कपड़े पहन के पढ़ने आती थी, और मेरा गे प्रिंसिपल
जो स्टूडेंट्स के साथ डफली लेके डांस करने लगता था। क्या दिन थे यार। आई मिस माई सोटी डेज। सोटी मतलब वो SOTY यार, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। क्या हुआ भाई? राम आ रहे हैं। हाँ, स्वयं भगवान राम पधारे हैं जय हिंद पर। ओह माय गॉड, शिट, राम जेठ मलानी मलानी मला 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 यहाँ कहाँ है? अरे आया आया Nonsense! You are an idiot. He is an idiot. She is an idiot. We all are idiots. And all idiots need to take a break. Huh? कहीं मत जाइएगा. This is going to be very dramatic. I mean, dramatic. बजा बजा जल्दी.